चारों तरफ गुस्सा था। क्रिकेट के लाखों फैंस नाराज थे। कोई बीसीसीआई को ट्रोल कर रहा था तो कोई विराट को टैग कर रहा था, कोई सोशल मीडिया से नाराजगी व्यक्त कर रहा था तो कोई मीडिया में आकर सब अपनी अपनी तरह से अपनी भड़ास निकाल रहे थे। क्योंकि उस दिन एक बार फिर से एक टैलेंटेड प्लेयर के लिए टीम इंडिया के दरवाजे बंद हो चुके थे। सबको लग रहा था कि इस बार इसका करियर खत्म हो जाएगा, ये भी नेक्स्ट अंबाती राइडू होगा। लेकिन इसके बाद जो हुआ, द रेस्ट इज हिस्ट्री। आईपीएल का वो मैच जिसके एक रात पहले टीम इंडिया का ऐलान हुआ, सबको उम्मीद थी कि इस बार उस बंदे का नाम जरूर होगा। लेकिन सबके हाथ लगी निराशा। बहुत तकलीफ होती है जब आप काबिल हो और लोग आपकी काबिलियत ना समझे। कई सालों से अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी उस बंदे को मिल रहा था तो सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई का इग्नोरेंस, रिजेक्शन। वो बंदा चाहे कर भी टीम इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। वक्त के साथ उसकी उम्र भी बढ़ रही थी, लेकिन उसकी जिंदगी बस एक मोड़ पर खड़ी थी। जहां से मौका मिला तो बंदा बादशाह, अगर मौका ना मिला तो बंदा बेकार। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये दुनिया हमें इग्नोर कर देती है, इग्नोर कर देते हैं हमारी परफॉर्मेंस को। और कुछ ऐसा ही हो रहा था इंडियन 360 यानी सूर्य कुमार यादव के साथ। इंडिया और मुंबई की ओर से खेलने वाले इस गाय ने अपना पहला फर्स्ट क्लास मैच 2010 में मुंबई की ओर से खेला था। उसी टाइम पर रोहित ने भी ट्वीट करके कहा था, इसका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन 10 से 11 साल लग गए उस सूर्या को चमकने में। इस दौरान कई बार कई ऐसे मौके आए जब लगा कि इस बार सूर्या इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हर बार सूर्या को निराशा हाथ लगती थी। हर बार सेलेक्टर्स इस बंदे की परफॉर्मेंस को अनदेखा कर देते थे। इस तरह जिंदगी के कई साल गुजर चुके थे। सूर्या से छोटे कई प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके थे, लेकिन यह बंदा अभी भी आईपीएल और घरेलू मैच खेल रहा था। अब सबको लगने लगा था कि सूर्या की एंट्री टीम इंडिया में नहीं हो पाएगी, वजह थी एज और नए प्लेयर। ऐसे हालात में बहुत से बंदे टूट जाते हैं, हार मान जाते हैं, क्योंकि मेहनत के बाद अगर रिजल्ट ना मिले ना तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से टूट जाता है। लेकिन हद तो तब हो गई थी जब आईपीएल 2020 के एक मैच के दौरान विराट कोहली ने सूर्या को सिलेक्ट किया, क्योंकि उससे ठीक एक दिन पहले टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ था। और एक बार फिर से सेलेक्टर्स ने सूर्या को इग्नोर किया था, जिससे सूर्या काफी हताश और नाराज थे। और उस सेलेक्टेड टीम के कैप्टन भी विराट कोहली थे। 20 से 25 सेकंड कोहली सूर्या के सामने खड़े रहे। हालात इतने गंभीर थे कि कोई नॉर्मल इंसान होता तो उस दिन विराट से भिड़ जाता, उन दोनों में बहस हो जाती। लेकिन सूर्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपने अंदर के गुस्से को अपने जुनून में दबाए रखा और शांत रहकर अपने परफॉर्मेंस से जवाब दिया। उस दिन सूर्या ने एक बार फिर से मुंबई को बेंगलोर के खिलाफ एक हारा हुआ मैच अपने अकेले दम पर जीता और कुछ ऐसा इशारा किया जिसे देखकर यह महसूस हो रहा था कि यह बंदा कह रहा है, आप देखो या ना देखो मैं हूं, आप सुनो या ना सुनो मेरी मेहनत है, आपको हो या ना हो मुझे अपनी परफॉर्मेंस पर विश्वास है। बॉस वो एक दिन था जब लोग देख कर भी अनदेखा कर देते थे, और आज एक दिन है कि लोग चाह कर भी नहीं कर पा रहे। एक वो दिन था जब विराट सामने खड़े होकर स्लेज कर रहे थे, और आज एक दिन है कि विराट उसी सूर्या के साथ खड़े होकर सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। अगर बंदे में टैलेंट है तो ये दुनिया झुकती है, बस बंदा झुकाने वाला चाहिए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी का नहीं, ये वीडियो रियल फैक्ट पर आधारित है।